ये जो आनंद बरस रहा है, शायद बैकुंठ में बैठी हुई रूहें भी जरूर तरस रही होंगी कि अगर हमें भी मानुष जन्म का सुअवसर मिले तो हम भी इस दरबार में जाकर के अपने जीवन को धन्य धन्य कर ले। बात तो इतनी है, ये सौदा सारा प्रेम का है। जिसका प्रेम हो जाता है आनंद उसे आता है, और जो प्रेम में आकर के डूब जाते हैं भीतर तक, जो प्रेम में अपना रोम रोम भर लेते हैं, रस भी वही लेकर जाते हैं। जैसे कि एक महापुरुषों की शरण में एक सेवक रहता था, तो वो प्रतिदिन सत्संग सुनता और गुरुदेव से अपने यही कहता, महाराज मुझे सुनते सुनते सत्संग आयुर्वेद के, लेकिन मेरे अंदर अभी कोई परिवर्तन नहीं आया, कारण क्या है? तो संत बोले, तेरे इस सवाल का जवाब कल देंगे। जब दूसरे दिन वो दरबार में गया, उन्होंने अपने पास एक घड़ा रखा हुआ था, तो उस बच्चे से कहने लगे, घड़े से गिलास उसको भर के दिया, कहने लगे मुंह में डाल और कुल्ला करा, मुंह में डाल और कुल्ला करा, गिलास खाली हो गया। फिर उस सुराही से गिलास फिर भर के दिया, फिर कहा कुल्ला कर, मुंह में डाल कुल्ला कर, वो मुंह में डाल के कुल्ला करके आ जाता, तो कहने लगे कोई फीलिंग आई, कुछ महसूस हुआ कि नहीं महाराज कुछ नहीं। करते करते पूरा तमाम घड़ा खाली हो गया। जब आधा गिलास बचा तो कहने लगे अब हमारी बात मानेगा? कहने लगे बहू क्या, कहते हैं कुल्ला नहीं करना, अब ये जो आधा गिलास है ये भीतर ले जाना है। उसने जैसे ही वो आधा गिलास पिया तो नशे में झूमने लगा, कहने लगे ये क्या, पूरा घड़ा तो खाली हो गया, तुझे नशा नहीं हुआ और आधा गिलास पीने मात्र से तू झूमता नशे में आ गया, कारण क्या है? बोला महाराज पहले तो मैंने कुल्ला किया है, मैंने अंदर उतारा ही नहीं है इस गिलास को, तो मुझे नशा कैसे होता? कहने लगे समझ आया, जीवन पर्यंत तुझे सत्संग में आते हो गया और कहता मेरे जीवन में परिवर्तन नहीं आया, तो परिवर्तन तभी आएगा जब तुम सत्संग को भीतर उतार लोगे, अंदर पी लोगे और रोम रोम में बसा लोगे, तो जीवन बदलने में देर नहीं लगेगी। तो ऐसे ही हमें पूज्य सभी संत महापुरुषों ने, पूज्य माँ जी ने यही ही प्रेरणा दी है कि सत्संग में आए हो तो जरा भीतर तक झांक कर देखो, क्योंकि जब भीतर चला जाता है सत्संग तो प्रेम हो जाता है, वो प्रेम एक दिन इष्ट में बदल जाता है और इष्ट हमारे जीवन को ही बदल देता है। बोलो जय करो बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। कहते हैं ए इश्क का रोग जानू पड़या नहीं।
Oh.
सच्चे हो।